हेलो गाइज एंड वेलकम टू शिवज गैराज। तो आज इस वीडियो में अपन कवर करेंगे द ओनली 2021 BS6 बजाज एवेंजर 220 क्रूज। सो ये देख रहे हैं आप इसका बाइक कलर। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में आपको कुछ इस टाइप का वाइजर प्रोवाइड किया गया जो कि ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसके बाद लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन प्लस LED प्रोवाइड की गई है जो कि आपको इस साइड में आएंगे। इंडिकेटर्स की बात करें तो वाइट कलर के जो इसके ग्लास रहेंगे, आपको ऑरेंज इंडिकेटर, ऑरेंज बल्ब इसमें प्रोवाइड किए गए। फ्रंट फेंडर की बात करें तो वाइट कलर का जो फ्रंट फेंडर है इसमें प्रोवाइड किया गया आपको। उसके बाद ये फ्रंट में आप इसके शॉक एब्जॉर्बर का लुक ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये रहा इसका डिस्क ब्रेक, और दोनों में ही आपको स्पोक व्हील्स प्रोवाइड किए गए जो कि आपको सिल्वर कलर में रहेंगे। और यहाँ पे आपको फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर में रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट मिलती है। साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का टैंक प्रोवाइड किया है विद ग्राफिक्स, आप देख सकते हैं। ये साइड से आप लुक ले लीजिए। टोटल आपको इसमें 5 गियर्स प्रोवाइड किए गए। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 क्रूज की बैजिंग। ये रियर का आप लुक ले लीजिए प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको क्रोम में सारी चीज़ें, क्रोम एक्सेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे रियर में आपको एवेंजर रिटर्न मिलेगा एक सपोर्ट के साथ। उसके साथ ये रियर टेल लैम्प का आप लुक ले लीजिए। ये रहा उसका कुछ प्रोफाइल रियर टायर का। ये रियर टायर आप देख सकते हैं प्रॉपरली। रियर में आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड नहीं किया गया, आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। ये पूरा आप देख लीजिए 220 क्रूज यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। अब हैंडल बार की बात करें तो कुछ इस टाइप का जो हैंडल बार है इसमें प्रोवाइड किया गया जो कि एवेंजर स्ट्रीट से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा। साइड मिरर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोम में जो है साइड मिरर्स मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें इग्निशन की तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की 2 कीज प्रोवाइड की गई है जो कि अपनी यहाँ पर लगेगी। उसके बाद आप जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का पूरा लुक आएगा। तो सिटिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग इस बाइक की है। और हैंडल बार की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल मुझे लग रहा है बैठने में, आप देख सकते हैं। सो स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर्स और हॉर्न की प्लेसमेंट मिलती है। और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच, लाइट्स ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। मीटर की बात करें तो यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर पूरा प्रोवाइड किया है जो कि आपको स्पीड और अपना ओडो ट्रिप और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। इसके साथ साथ आपका टाइम और फ्यूल गेज सब यहाँ पे दिया हुआ है। टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन, न्यूट्रल और ABS का ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये पूरा टैंक आप लुक ले लीजिए, कुछ इस टाइप का रहेगा। साइड स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोम में साइड स्टैंड प्रोवाइड किया गया जो कि कुछ इस टाइप का रहेगा। रियर LED, रियर में आपको LED बल्ब टेल लाइट प्रोवाइड की गई है। सो ये रियर का आप लुक ले लीजिए। ये फ्रंट LED का लुक कुछ इस टाइप का रहेगा। ये अपने फ्रंट हैलोजन का लुक आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा प्रॉपरली आपने लुक ले लिया पूरी बाइक का। सो इस बाइक में आपको मेनली क्रोम और मतलब रेट्रो लुक प्रोवाइड किया गया है बजाज ने अपने साइड से, जिसमें आप पूरा देख सकते हैं। अगर आपको रेट्रो बाइक में अगर देखना है तो आप इस क्रूज की तरफ जा सकते हैं, फिर अगर आपको एवेंजर में देखना है तो आप एवेंजर स्ट्रीट देख सकते हैं। सो ये रहा प्रॉपरली एक इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड रिव्यू। सो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।